तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब आज संडे है और संडे में जो तबाही मचा रहा है जवान भाई काबिले तारीफ है, अमेजिंग ग्रोथ। आज तक ऐसा संडे बॉलीवुड हिस्ट्री में कभी आया नहीं था और ना कभी आएगा। बाय गॉड अगले आने वाले कई टाइम तक इस संडे को यादगार रखा जाएगा, क्योंकि ऐसी तबाही, ऐसी ग्रोथ, ऐसा कलेक्शन कभी देखने को नहीं मिला। इतना प्यार जनता से कभी किसी मूवी को देखा ही नहीं मिलते हुए। बाय गॉड जवान जबरदस्त ग्रो कर रहा है। देखो अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई ब्लॉकबस्टर मूवी ट्रेंड करती है तो स्टार्टिंग में नाइट में टिकट मिलना मुश्किल हो जाती है, लाइक पहले से पांचवें दिन में या फिर फर्स्ट वीक तक। लेकिन जवान के आज सुबह से ही टिकट मिलना मुश्किल हो रहा है जनता को। जिसने पहले ही बुकिंग ले ली थी बस उन्हीं की बल्ले बल्ले हैं, बाकी जो भी ऑन द स्पॉट बुकिंग कराने की सोच रहे हैं अधिकतर मुंह लटका के ही वापस आ रहे हैं, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ थिएटर हाउस में जबरदस्त भीड़ चल रही है, सिर्फ अंदर ही नहीं बाहर भी फुल डे हाउसफुल सोच चल रहे हैं। नाइट में जिसके पास बुकिंग है वही जाएं और वही जाने की सोच रहे हैं, जिसके पास नहीं है वो तो ना भी जाएं, क्योंकि उन्हें खाली हाथ लौट के ही आना पड़ रहा है आज के दिन। आज दोस्तों इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है लेकिन फिर भी जवान को इतना कोई इफेक्ट नहीं मिला है, नहीं पड़ा है। फिर भी हाउसफुल शो चल रहे हैं, फिर भी जबरदस्त ग्रो कर रही है जवान। बात करेंगे पहले कल तीसरे दिन तक की रिपोर्ट की, जो ऑफिशियली अपडेट करी गई है मेकर्स के द्वारा। पहले तीन दिन में कितनी कमाई करी भाई साहब, रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई करी। पहले तीन दिन में ही पूरी दुनिया से मूवी ने 38.469 करोड़ यानी 385 करोड़ का होल्ड करा है कल तीसरे दिन में एंड ऑफ द डे तक। कल सैटरडे तीसरे दिन में हिंदी से टोटल कितनी कमाई करी, लगभग 68 करोड़ की कमाई करी फुल डे। और दूसरी तरफ पूरी दुनिया से वर्ल्ड वाइड कलेक्शन डे थ्री का रहा है 144 करोड़ के आसपास। तो भाई साहब जवान ने कल पूरे दिन तबाही मचाई है, बाय गॉड अपने पहले और दूसरे दिन के रिकॉर्ड को तीसरे दिन में बुरी तरीके से खदेड़ दिया है। सेम आज डे फोर में भी यानी संडे में भी बवाल मचाती नजर आ रही है जवान। मॉर्निंग से ही हाउसफुल सोच के साथ फुल डे लगभग 80% की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी रेट के साथ मूवी ने पूरे दिन ट्रेंड किया है, पूरे दिन सिनेमाघर में भीड़ भाड़ मचा रखी है। दोस्तों मॉर्निंग टू आफ्टरनून तक 60% की ऑक्यूपेंसी रही है और इवनिंग तक 70% की ऑक्यूपेंसी रेट हो चुकी थी। मूवी लगातार ट्रेंड कर रही थी और इवनिंग से नाइट तक 82-85% की ऑक्यूपेंसी के साथ मूवी लगातार चल ही नहीं रही थी, तांडव कर रही थी। जी हाँ दोस्तों आज हिंदी से डे फोर में अपने फर्स्ट संडे में एंड ऑफ द डे तक मिनिमम 73-75 करोड़ का आंकड़ा अपने खाते में रखते नजर आ रही है जवान। और तमिल तेलुगु से मिलाकर डे फोर में नेट इंडियन कलेक्शन एंड ऑफ द डे तक 82-82 करोड़ के आसपास स्ट्रॉन्ग होल्ड करते दिख रही है मूवी। इसी के साथ कल डे थ्री में पूरी दुनिया से कमाए थे 144 करोड़, तो आज कितना कमा सकती है? डेफिनेटली आज संडे है तो जिस हिसाब से ग्रोथ देखने को मिल रही है पूरी दुनिया से, आज एंड ऑफ द डे तक 150 करोड़ का आंकड़ा कहीं नहीं गया, 150 करोड़ टच करते नजर आ रही है मिनिमम। और मैक्सिमम कितना जा सकता है मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन मिनिमम 150 करोड़ के आसपास जाएगा ही जाएगा डेफिनेटली। इसी के साथ जवान डे फोर में ही पहले चार दिन में पूरी दुनिया से टोटल कमाई 525 से 530 करोड़ के आंकड़े को टच करते नजर आ रही है आज एंड ऑफ द डे तक। तो आपका क्या कहना है, डे फोर में 150 करोड़ के आंकड़े को टच कर पाएगी या नहीं कर पाएगी आज मूवी जवान अपने एंड ऑफ द डे तक? और लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या 1500 करोड़ को टच कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? दूसरा ये आप लोग बताएंगे कि क्या ऐसा हिस्टोरिकल संडे, ऐसा तबाही मचाने वाला संडे आज तक बॉलीवुड की किसी भी फिल्म के साथ तुमने देखा था या नहीं देखा था? फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय और एक्सपीरियंस जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।